श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए सफला एकादशी व्रत की कथा लेके आया हूँ। ये एकादशी पौष माह कृष्ण पक्ष में आती है। एक बार श्री युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, आप कृपा करके हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो है सफला एकादशी। युधिष्ठिर जी, मैं आपको एक बड़े राज की बात बताऊं, मैं बड़े बड़े दान और व्रत से उतना खुश नहीं होता जितना एकादशी के व्रत से खुश होता हूँ। आओ मैं तुम्हें इसकी कथा और विधि बताता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो कर पाए उस दिन विधि विधान से विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली होती है, इसलिए इसका व्रत करना उचित है, अवश्य ही उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सारे व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर और विशेषतः आम को फलों में से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, यानी ऋतु फल आपको समर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान का बड़ा महत्व है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता। राजन, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। पहले तो एकादशी का महत्व तो बताया है, फिर सफला एकादशी के व्रत की कथा भगवान बता रहे हैं कि चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मति की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मति के 5 बेटे थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वो सदा ही पाप कर्म में लगा रहता था, परस्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में खर्च किया। वो सदा दुराचार परायण और ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा करना और उनका अपमान करना उसका काम था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मति ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर कर दिया कि तू पाप करता जा, हम तुझे राज्य से निकाल देते हैं। लुम्बक उस नगर से निकला और एक वन में चला गया। वहां रहकर वह पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। जहां जाता वही पाप कर्म करता। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मति का बेटा बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया कि राजा का बेटा है। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के नजदीक था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का पेड़ था। वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। बहुत दिनों के बाद एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। देखिए, गलती से उसने एकादशी के व्रत को कर लिया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर सर्दी में जाड़े में कष्ट भोगने लगा। ठंड तो होती है, उस समय न तो उसे नींद आई ना ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा, भूखा प्यासा।
दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की तरह पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से बड़ा ही कमजोर और पीड़ित था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। ऐसा कहकर लुम्बक ने वहीं बैठ गया और रात भर नींद नहीं आई। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का अनजाने में पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। क्या बात है, बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 साल तक उसका संचालन किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र पैदा हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो लंबक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे अपने पुत्र को शासन दे दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता, मतलब भगवान के धाम। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। देखिए कितनी महिमा एकादशी के व्रत की है और कथा की है। जो भी इस व्रत को करता है वो पापों से मुक्त होकर मोक्ष को पाता है। तो ये थी सफला एकादशी के व्रत की कथा जो मैं आप तक लाया। आगे भी कुछ ऐसी एकादशी व्रत की कथाएं आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। जय जय श्री राधे।